अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि वाराणसी में 1860 करोड़ का बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल है। 2015 में जापान के राष्ट्रपति ने इसकी आधारशिला रखी थी। रुद्राक्ष सेंटर पर क्या सोचता है वाराणसी, आपको दिखाते हैं। आज पीएम मोदी वाराणसी में 1583 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे अहम परियोजना है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो भारत और जापान की मित्रता का प्रतीक है, जिसे 2015 में जापान के राष्ट्रपति जब वाराणसी में आए थे तो यहाँ पर आधारशिला रखे थे, जो आज बनकर तैयार हो चुका है और पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनपी सिंह मौजूद हैं, जो क्षेत्रीय संयोजक भी हैं यहाँ के। हम उनसे पूछेंगे क्या है सर, कितना उत्साहित है वाराणसी की जनता और क्या है इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर लोगों के सोचना, किस तरह का बना हुआ है ये। 186 करोड़ जो जापानी राष्ट्रपति आए थे पिछली बार 5 साल पूर्व, तो प्रधानमंत्री जी के साथ इन्होंने ये घोषणा की थी और अब इसका निर्माण पूरा हो गया। आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी और लगभग इतनी योजनाएं हैं कि 67,000 करोड़ बनारस में अब तक खर्च कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। वाराणसी के जनता के लिए कितना उपयोगी साबित होगा, क्या सोचती है वाराणसी की जनता, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? वाराणसी की जनता के लिए बहुत जरूरी था कि एक बड़ा सा कन्वेंशन सेंटर हो जिसकी स्ट्रेंथ 1200 लगभग हो, बहुत जरूरी था। और बहुत प्रधानमंत्री जी के आज उद्घाटन करने के बाद बनारस की जनता तो इसके लिए आकंतुक थी, बहुत खुश हो गई आज। कितना अंतर है पहले की वाराणसी में और आज की वाराणसी में? 2014 से पहले कैसी थी वाराणसी और आज कैसी? जमीन आसमान का अंतर है, मैंने बताया 67,000 करोड़ हर क्षेत्र में, चाहे 2 कैंसर अस्पताल उन्होंने खोला जिसके लिए बॉम्बे लोग पूर्वांचल के लोग जाते थे, 2 कैंसर अस्पताल, स्वास्थ्य, बिजली के तार सारे जमीन के अंदर हो रहे हैं, घाटों का निर्माण, एयरपोर्ट रोड इतना शानदार कि इंटरनेशनल लेवल का, मैंने फोटो डाली तो लोगों ने कहा स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं क्या। तो इस तरह का हर क्षेत्र में विकास किया उन्होंने। ऐसा कन्वेंशन सेंटर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, न किसी ने सोचा होगा। जब लोगों के लिए खुल जाएगा तब ये देखने वाला होगा कि इसकी क्या क्या खासियत है और आम आदमी इसको लेकर कितना सोचता है, कितना खुश है। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाराणसी। तो आपने देखा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि जापान के सहयोग से बना है और दोनों ही देशों की संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए इसे सजाया गया है। तुषार, अंजीत दोनों ही सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। तुषार, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आपकी रिपोर्ट अभी हमने आप देखी और बनारस के लोग भी इसी कन्वेंशन सेंटर का इंतजार भी कर रहे थे जिसको लेकर 2017 में डिजाइन पास किया गया था। ऐसे में आज जब उद्घाटन किया जाता है तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितना पड़ने वाला है और लोग क्या वाकई इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके की चीजें आगे बढ़े? निश्चित तौर पे देखिए, बनारस के विकास के लिए सबसे जरूरी था क्योंकि इतनी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा तभी जो बनारस के लोग होंगे उनके लिए ये काफी कंफर्ट रहेगा। और ये बनारस सांस्कृतिक विरासत की जगह है, मंदिरों का शहर है और यहाँ पर देश और विदेश से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें चुनाव की तो सबसे बड़ा क्षेत्र है ये विधानसभा का, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी है।